हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप भी अपने फेशियल हेयर से परेशान हैं, फेशियल हेयर हमारे स्किन पे, हमारे चेहरे पे ऐसे अनवांटेड हेयर होते हैं जो कि किसी भी रीजन से बहुत ही इजीली ग्रो कर जाते हैं, बट वो जल्दी से खत्म नहीं होते। फिर चाहे वो हार्मोनल इंबैलेंस हो जाए, हमारा कुछ बॉडी के इंटरनल चेंजेस हो जाए, या कोई भी रीजन हो सकता है हमारी स्किन पे फेशियल हेयर के आने का। और मेनली जो फीमेल को फेशियल हेयर का प्रॉब्लम है वो होता है साइड लॉक्स पे, अपर लिप्स पे, चिन एरिया पे या फिर नेक पोर्शन पे। तो अगर आप भी इस तरह के किसी भी तरह के फेशियल हेयर से परेशान हैं, तो मैं आपके साथ बहुत ही आसान सा, बहुत ही सिंपल सा आज एक रेमेडी लेकर आई हूँ जो कि मैं शेयर करूंगी। और हाँ, एक चीज होम रेमेडी है, एक बार में अगर आपको असर नहीं दिखता है तो घबराइए मत, पेशेंस के साथ इसको यूज कीजिए। रेगुलर यूज से और डेली, हफ्ते में लगातार यूज से आप खुद अपने चेहरे के फेशियल हेयर से रिडक्शन पाएंगे, खुद बहुत इम्प्रूवमेंट मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये बढ़िया सा वीडियो, जो कि मैंने अपने रिसेंटली आ रहे कमेंट्स और क्वेरीज के अकॉर्डिंग बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये मैं फेशियल हेयर रिमूवल का प्रोसेस दो तरह से आपको बताऊंगी। सबसे पहला मेथड है जिसमें आप लीजिए 1 से 2 चम्मच चावल का आटा। चावल का आटा नेचुरली प्रॉपर्टी में थोड़ा सा दरदरा ही होता है। साथ में इसमें 1/4 चम्मच डालिए कस्तूरी हल्दी। अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी ना हो तो आप किचन की हल्दी ले सकते हैं, लेकिन किचन की हल्दी स्किन पे कलर छोड़ देती है, इसलिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप कस्तूरी हल्दी लीजिए। इससे आपकी स्किन जिस पोर्शन पे हेयर रिमूव होंगे वहां से ब्राइट एंड ग्लोइंग भी होगी। और इसको आप एक फाइन पेस्ट बना लीजिए दूध के साथ, और इसको आप सभी स्किन टाइप के लोग यूज कर सकते हैं। बहुत ही आसान सी रेमेडी है। और एक चीज, अगर 15-16 साल या 20 साल की बच्चियां भी हैं, उनको भी अगर फेशियल हेयर का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो वो भी इस मेथड को यूज कर सकते हैं। अब इसको आपको एक सेमी थिक सा एक पेस्ट बनाना है, बहुत ज्यादा पतला नहीं करना, बहुत ज्यादा थिक नहीं रखना। चावल का आटा है, वैसे भी थिक ही होता है। अब आप अपने चेहरे पर जिस भी पोर्शन में आपको लगता है कि जहां जहां पे बालों की प्रॉब्लम ज्यादा है वहां पे आप इसको अप्लाई करो। कुछ लोगों को चीक्स के आसपास भी होते हैं, कुछ लोगों को सिर्फ और सिर्फ साइड लॉक्स में होते हैं, कुछ लोगों को चिन पे होते हैं। अगर आप लोगों को जिस भी पोर्शन में है, फिर चाहे वो अपर लिप हो, चिन एरिया हो, साइड लॉक्स हो या कोई भी पोर्शन हो, आप अप्लाई कर सकते हो। और वैसे तो ये चावल का आटा और हल्दी दूध ही है, बाकी आपकी स्किन पे कुछ हार्मफुल इफेक्ट नहीं देगा। तो आप अगर चाहो तो इसको अपने चेहरे पे भी डेली अप्लाई कर सकते हो। नहाने से पहले इसको अप्लाई कर लो डेली, और इस प्रोसेस को आपको डेली ही अप्लाई करना है। अब आप 15 से 20 मिनट इसको छोड़ेंगे या जब तक कि ये बिल्कुल पूरी तरह से ड्राई नहीं होता। और इसको आपको एक थिक लेयर लगाना है जिन जिन पोर्शन पे बाल है। जब आपको लगे कि ये इस तरह से ड्राई हो गया है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में रब करते हुए इसको उतारिएगा। ऊपर की तरफ, जैसे बालों की ग्रोथ नीचे की तरफ है, तो ऊपर की तरफ इसको रब करिए जिस पोर्शन पे भी बाल ज्यादा है, और इसको उतार दीजिए। अच्छा, ये थोड़ा सा जो मिक्सचर बच गया था मैंने पूरे चेहरे पे अप्लाई कर लिया। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम फेस पैक में भी चावल का आटा और हल्दी तो यूज करते ही है, तो कुछ एक्स्ट्रा तो कुछ है नहीं, इसलिए मैंने चेहरे पे अप्लाई कर लिया। आप भी कर सकते हैं, इनफैक्ट आपकी स्किन और ज्यादा ग्लोइंग एंड निखरी होगी। इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया कि आप वाइल्ड टर्मरिक यूज करें, इससे चेहरा पीला नहीं पड़ता। तो इस तरह से आप हेयर शॉफ्ट को वीक करने के लिए इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में रब करें, और इस प्रोसेस को आपको डेली करना है। बेटर रिजल्ट के लिए आपको डेली इसको करना है, और तभी आपको एक मन चाहे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो बस उन्हीं पोर्शन को रब कीजिएगा जहां पे आपके बाल हैं, बाकी पोर्शन को रब नहीं करना है। सिंपल पानी से चेहरे को वॉश कर लीजिए। अब आपका चेहरा देखिए वैसे भी खिल जाएगा और जो बाल है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे। अब शेयर करती हूँ सेकेंड मेथड, ये है एलम यानी फिटकरी। फिटकरी बड़ा इजीली आपको मिल जाएगा किसी भी जनरल स्टोर पे। उसका छोटा सा टुकड़ा लीजिए, उसको इस तरह से तोड़ लो या क्रश कर लो, माम दस्ते में कोट लीजिए या हल्का सा पाउडर बना लीजिए। उसमें आप डालिए थोड़ा सा रोज वाटर और इसको इसी तरह से छोड़िए जब तक कि पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं हो जाता।
इस मेथड को आपको डेली नहीं करना है, ये आप हफ्ते में एक बार करेंगे इस मेथड को। और ये भी बहुत बढ़िया तरीका है चेहरे से अनचाहे बालों को हटाने का। फिटकरी में मेडिकल प्रॉपर्टीज होती है, अगर आप रेगुलर अपने स्किन पे यूज करते हैं इसको जहां पे बाल बहुत ज्यादा है, तो ये आपकी स्किन से हेयर शॉफ्ट को तो कम करती ही है, बालों की ग्रोथ को कम करती है, बल्कि पोर्स को इतना टाइट कर देती है कि वहां पे दोबारा बाल नहीं आते हैं। तो आप इसको सिर्फ उसी जगह पे अप्लाई करेंगे जिस जगह पे आपको हेयर का प्रॉब्लम है। अगर आपको साइड लॉक्स पे प्रॉब्लम है तो आप वहां पे अप्लाई करिए, अगर आपको अपर लिप या चिन पे प्रॉब्लम है तो आप वहां पे अप्लाई कीजिए, बाकी पूरे चेहरे पे इसको आपको नहीं लगाना है। और इसको आप 2 से 3 बार एक बार में अप्लाई करना है, जैसे एक बार आपने अप्लाई किया फिर उसको सूखने दीजिए, जब सूख जाए तो दोबारा फिर इस मिक्सचर को अप्लाई कीजिए उसी जगह पे। ऐसा आप 2 से 3 बार करो बिना वॉश किए चेहरे को, और फिर से सूख जाएगा तो फिर एक बार अप्लाई कर लो जब तक आपका मिक्सचर बचा रहता है। फिर जब फाइनल हो जाएगा तो उसके बाद आप इसको, जब पूरी तरह सूख जाए तो आप इसको चेहरे को वॉश कर सकते हो। इसको अप्लाई करने के बाद आपको खुद को लगेगा कि चेहरे पे हल्का सा टिंगलिंग सेंसेशन होगा आपको। उसके लिए आप कोई भी अपना मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लो या फिर कोई भी ऑयल अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि मैं ये बादाम का तेल लगा रही हूँ। वैसे भी मैं रेगुलर भी चेहरे पे बादाम का तेल अप्लाई करती हूँ डेली रात को सोने से पहले आंखों के आसपास के एरियाज में, क्योंकि इससे स्किन यंग रहती है। तो आप चाहो तो बादाम का तेल लगा लो, आपके पास ऑलिव ऑयल हो वो लगा लो, या कोई मॉइस्चराइजर अच्छा, मतलब डेली जो आप यूज करते हैं आप वो लगा लीजिए, क्योंकि लगाना बहुत जरूरी है। स्किन पे टिंगलिंग सेंसेशन होगा, मतलब स्किन पे थोड़ा सा आपको इरिटेशन फील होगी, क्योंकि एलम में मेडिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जब ये अच्छे से आप अप्लाई कर लो, रब कर लो, और बस आपका एक ये वाला ट्रीटमेंट भी हो गया। तो मैंने आपको दोनों तरह से बताया, और आप फर्स्ट मेथड को डेली अप्लाई करेंगे, इस वाले मेथड को आपको हफ्ते में एक बार अप्लाई करना है। बेटर रिजल्ट्स के लिए इन दोनों मेथड को अगर आप लगातार यूज करते हैं 1 से 2 महीने में आप खुद देखेंगे आपके फेशियल हेयर में बहुत अच्छा रिडक्शन आ जाएगा और बहुत अच्छे से आपके फेशियल हेयर रिमूव हो जाएंगे। आसान रेमेडी है, मैं फिर आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको एक बार में रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप इसको लगातार यूज कीजिए, क्योंकि कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं हमारी किचन में जिनके लगातार यूज से हमारे जो शाफ्ट है, हेयर शाफ्ट है, जो रूट्स हैं वो वीक हो जाती हैं और बाल आना वहां पे बंद हो जाते हैं। तो अगर आप भी केमिकल प्रोसेस यूज नहीं करना चाहते या फिर शेविंग, वैक्सिंग, थ्रेडिंग बार बार कराकर थक चुके हैं, तो इन घरेलू उपायों को साथ साथ ट्राई करते रहिए। एक चीज और शेयर करना चाहती हूँ, चेहरे पे अगर आप पार्लर के किसी भी तरह के ट्रीटमेंट्स यूज करते हैं, लाइक थ्रेडिंग करवाते हो या वैक्सिंग करवाते हो, तो बेटर है कि आप उसमें थ्रेड का यूज करवाएं, या फिर घर पर ही जो फेशियल रेजर्स होते हैं आप उनका यूज कर सकते हैं। वैक्सिंग को अवॉइड कीजिए, क्योंकि वैक्स करवाने से चेहरे की स्किन लटकने लगती है, लूज हो जाती है, इसलिए वैक्सिंग अवॉइड करवाइए। और अगर आप जो एमेजन वगैरह या किसी भी शॉपिंग पोर्टल पे आपको इजीली हेयर रिमूवल ब्लेड्स या फिर रेजर्स मिल जाएंगे, आप इजीली उनको रिमूव कर सकते हो, और साथ के साथ आप इस तरह की होम रेमेडीज यूज करते रहो। इससे क्या होगा कि आपको बहुत लंबे समय तक, ऐसा नहीं है कि आपका चेहरा बालों से भरा हुआ है और आप होम रेमेडी अप्लाई कर रहे हो और सोच रहे हो कि बाल खत्म नहीं हो रहे, खत्म नहीं हो रहे, मैं ये नहीं कहूंगी एक दिन में हो जाएंगे। हाँ, लेकिन इतना है कि साथ साथ आप अपना जो भी मेथड फॉलो करते हो वो करते रहो और ये रेमेडीज फॉलो करते रहो, धीरे धीरे आपकी स्किन पे आप खुद फर्क देखेंगे, आपकी हेयर शॉप जो है वो वीक हो जाएंगे। तो चलो, वीडियो पसंद आया है लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये कंप्लीटली फ्री है। चलो फिर मिलती हूँ, बाय बाय।